हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईटी फैक्ट्री। आज हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं इंटीग्रेशन का, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ऊपर न्यूमरेटर में लॉग एक्स दे रखा है, नीचे में भी लॉग एक्स दे रखा है, यहाँ पे आप अगर देखो ध्यान से डिनोमिनेटर में तो 1/x भी दे रखा है। आप जानते हो कि अगर किसी इंटीग्रेशन के भीतर में कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसका डी सी एफ डैश एक्स भी उसी इंटीग्रेंट के भीतर में मौजूद है, तो वहां पे आप क्या मानते हैं, एफ एक्स को आप टी मान लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा चीज होता है, इस चीज को आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, बात कीजिए, पूछिए और अपने जो नॉलेज है बेस है उसको बढ़ाइए और जेई क्रैक कीजिए। ठीक है, अल्टीमेट जो आपका गोल है आईआईटी जेई एडवांस क्रैक करने का है। ठीक है, आईआईटी जेई एडवांस क्रैक करने में कोई भी दिक्कत होती है तो आईआईटी फैक्ट्री आपका हाथ जो है सो थामेगा और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी दिक्कत है, प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, आईटी फैक्ट्री आपके लिए आपका साथी बनेगा। तो चलिए बैक टू द क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन में आप सिंपली कर सकते थे क्या कि लॉग एक्स को आपको क्या मानना था, लॉग एक्स को आपको टी मानना था। तो 1/x dx क्या हो जाएगा बच्चे, 1/x dx dt हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की वैल्यू कितनी है, टी है, तो टी की पावर हो जाएगी कितनी, 1/2। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, 1/x dx जो है सो बन जाएगा हमारा dt। 1/x dx किसके बराबर है, dt के बराबर है। ठीक है भाई, a माइनस हो जाएगा, log x की वैल्यू t है तो a माइनस टी की पावर 3/2 हो जाएगा, टी की पावर 3/2 हो जाएगा, टी की पावर यहाँ 3/2 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब भी मामला सुलझा नहीं है, यहां से भी डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को क्या कर दे, हम फिर से हम कुछ जेड मान ले कि a माइनस टी की पावर 3/2 है, इसको हम जेड मान लेते हैं। ये कितना बन जाएगा, माइनस 3/2 टी की पावर 1/2 dt, ये हो जाएगा dz हो जाएगा। ठीक है भाई, तो टी की पावर 1/2 dt dz हो जाएगा। हाँ, और ऊपर में देखो टी की पावर 1/2 dt दे रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा कितना, यहाँ पे टी की पावर 1/2 dt हो जाएगा कितना, -2/3 dz हो जाएगा। तो -2/3 को बाहर कर लो, ये हो गया dz, और नीचे में क्या हो गया भाई, ये a माइनस टी की पावर 3/2 को आपने यहाँ z पुट किया था, ये हो जाएगा z2। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 2/3 इंटीग्रेशन हो जाएगा dz/z2 माइनस के साथ, -1/z2 किसका इंटीग्रेशन होता है, 1/z का होता है, तो 2/3 × 1/z हो जाएगा। अब 1/z किसके बराबर है, 1/z किसके बराबर होगा, z की वैल्यू कितनी थी, a माइनस टी की पावर 3/2 है ना, ये हो जाएगा 1/a माइनस टी की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आप देखिए कि t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू कितनी थी, log x थी, t की वैल्यू कितनी थी, log x थी, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको 2/3 × 1/a माइनस टी की पावर 3/2। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा 2/3 × 1/a माइनस टी की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, log x की पावर 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log x का पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे इंटीग्रल का जो लिमिट होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, 1 to e ही है ना, तो 1 to e हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम e वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कितना आ जाएगा, e डालेंगे तो log e कितना होता है, 1 होता है, log e कितना होता है, 1 होता है, तो 1/a माइनस 1 हो जाएगा, माइनस log 1 कितना होता है, 0 होता है, 1/a हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 2/3 टाइम्स a इंटू ए माइनस 1, ये कितना बन जाएगा, a माइनस a प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसका मतलब हो गया ये 2/3 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा a टाइम्स a माइनस 1, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यहाँ से आप देख सकते हैं 3a टाइम्स a माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो 3a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब a की जो वैल्यू हो जाएगी
थ्री प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6 चौका 24 है ना, अपॉन 2 है मतलब 6 हो जाएगा। ओके इसका मतलब हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33/6। ओके तो ये हमारा टोटल आंसर आया है कि इसका वैल्यू कितना होगा, ए की वैल्यू क्या होगी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ए क्या है, रैशनल है, इरेशनल है, इंटीजर है, ठीक है। कहता है कि नो ए सेटिस्फाइज द एबव इक्वेशन, ऐसा है क्या बात, एकदम गलत बात है, ए की वैल्यू तो आ ही रही है ना। इंटीजर ए सेटिस्फाइज द एबव इक्वेशन, ये भी गलत बात है। इरेशनल नंबर ए सेटिस्फाइज द एबव इक्वेशन, ये सही बात है, ये क्या है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33 इरेशनल नंबर होगा। मोर देन वन ए वैल्यू सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, ये भी सही है, दो दो रूट आ रहा है, ठीक है। बेसिक बात क्या है, बेसिक बात समझिए, क्वेश्चन तो ऐसे बहुत सारे आएंगे लेकिन अगर बेसिक बात नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगी। बेसिक बात यही था यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि अगर एफ एक्स का डी सी, इसका डी सी डिफरेंशियल कोफिशियंट एफ डैश एक्स अगर मौजूद है किसी इंटीग्रेंड के भीतर में, किसी इंटीग्रेशन जिसको आपको करना है उसको इंटीग्रेंड बोलते हैं, इस चीज को इंटीग्रेंड बोलते हैं, पता होगा इंटीग्रेंड बोलते हैं भाई, इंटीग्रेंड के भीतर में फंक्शन और उसका डीसी अगर मौजूद है तो फंक्शन को हम टी या जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो कुछ सब्स्टिट्यूशंस है, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस जो कि आप इंटीग्रेशन में करते हैं, तो बेसिक सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, तो आपको भी सॉल्व अच्छे से करना है, ठीक है। होप सो आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में आईटी फैक्ट्री को प्रमोट कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।